हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा आज मैं आप लोग ना किसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो अभी रिसेंट टाइम में ना मैंने बहुत सारा मेकअप यूज किया है टू फॉर माय वीडियोस इन माय डेली रूटीन। सो मेरे पास ना कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं दैट आर माई होली ग्रेल प्रोडक्ट्स एंड आई जस्ट लव देम अ लॉट। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ उनको डिस्कस करूँ सो दैट आपको भी अगर इनमें से कोई चीज पसंद आती है तो आप ले पाए। एंड दैट टू ऑल द प्रोडक्ट्स आर अंडर ₹500। ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो अंडर 250 भी है गाइज। या चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले है मेरे पास दिस बेबी राइट हियर। दिस इज द स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश प्राइमर मैट एंड पोरलेस। दिस रिटेल्स फॉर ₹349। ठीक है, एंड दिस इज डेफिनेटली अ लव प्रोडक्ट। बहुत स्मूथ स्किन हो जाती है, पोर फिल हो जाते हैं, इट ग्लाइड्स ऑन नाइसली, इट ब्लेंड नाइसली। उसके ऊपर जो मेकअप आता है वो बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है और अच्छा भी दिखता है। इट जस्ट मेक्स एवरीथिंग सो स्मूथ ऑन द फेस जो भी इसके ऊपर जाता है। इट डजेंट मूव एनीथिंग, मेरा फाउंडेशन मूव नहीं होता है। बेसिकली इट्स रियली अ गुड प्रोडक्ट गाइस। या सो अगर आपने अब तक ये ट्राई नहीं किया है ना, यू डेफिनेटली दिस नीड दिस इन योर लाइफ। दैट इट्स सो बजट फ्रेंडली कि आपके पॉकेट पे भी कुछ ज्यादा हार्म नहीं होने वाला है। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको डिस्काउंट्स भी डेफिनेटली मिल जाएंगे नायका पे या पर्पल पे, स्विस ब्यूटी पे आते ही रहते हैं अप टू 25%, 30% ऐसे ऐसे भी डिस्काउंट्स आते हैं। सो अगर आपको ऐसे कोई स्टील डील मिल जाती है तो आप उसमें ले सकते हैं। सो या दैट्स दैट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, ओफ ये प्रोडक्ट तो आप लोगों ने ना मेरी हर वीडियो में देखा होगा अभी रिसेंटली, हर हर वीडियो में फॉर श्योर। तो ये है इनसाइट कॉस्मेटिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट। ठीक है, लुक एट द कंडीशन, इसकी हालत देखिए, आपको समझ आ जाएगा हाउ मच आई यूज इट। सो बेसिकली आई यूज टू शेड्स इन दिस, एक तो जो मेरा कंसीलर शेड है एंड द मिडिल वन जो ऑरेंज शेड है फॉर कलर करेक्शन। रिसेंटली माई फेस इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन, लॉट ऑफ एक्ने मार्क्स, तो इसलिए ना ये जो है कलर करेक्शन में बहुत ज्यादा मेरे को काम आता है। एंड इट इज सो स्मूथ ऑन द स्किन, इट ब्लेंड्स नाइसली, कोई पैचीनेस नहीं है। जनरली जो भी करेक्टर्स होते हैं ना उसमें पैचीनेस भी हो जाती है, बट दिस इज जस्ट ब्यूटिफुल। एंड बाय द वे दिस रिटेल्स फॉर ओनली ₹210। ठीक है, उससे सस्ता क्या लेंगे, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्स मिल जाते हैं, जिसमें ना आप देखो अगर मैं करती हूँ तो मैं ना इससे कॉन्टोर भी कर सकती हूँ। आई हैव अ क्रीम कॉन्टोर हेयर करेक्शन कंसीलर एंड आई हैव अ पिंक शेड ऑल्सो हेयर, तो क्या है आप करेक्शन में पिंक भी यूज कर सकते हो। सो इट्स अ ह्यूज वेराइटी देयर। एंड क्या होता है कभी कभी जब आप टैन हो जाते हो या फिर आप जब पिगमेंटेशन पे भी ना आप अपने कलर करेक्शन के बाद डायरेक्ट ऐसे हाईलाइटिंग वाला कंसीलर यूज नहीं करते, यू नीड अ मोर क्लोजर टू योर स्किन वाला कंसीलर, सो देन यू कैन यूज दिस राइट हेयर। तो ये ना बहुत अच्छा पैलेट इन्होंने दिया है, इट इज रियली नाइस एंड दैट टू सो अफोर्डेबल। 210 में आपको 6 शेड्स मिल रहे हैं, वॉट कैन यू आस्क फॉर, और वो भी गुड क्वालिटी के, उससे ज्यादा क्या ही लेंगे अब। सो या ठीक है, सो या दैट्स दैट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, ओह हो अगेन दिस बेबी राइट हेयर। दिस इज मेबेलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128 न्यूड बेज और वार्म बेज, ऐसे कुछ नाम है इसका। ठीक है, बट द शेड इज 128। तो आई जस्ट लव दिस बेबी। पहले मैं इसका बॉटल यूज करती थी, अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, बट देन द बॉटल गॉट एक्सपायर्ड, तो मैंने फिर एक ये छोटे साइज में इन्वेस्ट किया जस्ट बिकॉज आई नाउ आई हैव सो मैनी फाउंडेशन वीडियोज के लिए, आई नीड दैट इज माई वर्क, तो इसीलिए मेरे पास और भी बहुत सारे ब्रांड के रहते हैं। सो आई इन्वेस्टेड इन अ स्मॉलर पैकेजिंग। जब मैंने वो लिया था तब ना स्मॉल पैकेजिंग नहीं आया करती थी। ठीक है, एंड दिस थिंग रिटेल फॉर ₹329, एंड इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा आता है नायका पे इस पर डिस्काउंट। या यू जस्ट नीड टू ग्रैब अ स्टील डील देयर एंड यू आर सॉर्टेड। यस, एंड उसके अलावा ये क्या है, इसको आप अप टू फुल कवरेज आप इसको बिल्डअप कर सकते हो, जो अपने आप में ये है इट्स अ लाइट टू मीडियम कवरेज ये देता है अपने फर्स्ट लेयर में ही। तो दिस इज डेफिनेटली अ नाइस वन, एंड इसके बारे में ज़्यादा एक्चुअली बोलने की ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि दिस इज अ ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लोगों को पसंद है, काफ़ी चलता है ये प्रोडक्ट, तो मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या ही बोलूँ। बस यस, आई जस्ट लव दिस। इट ऑल्सो हैज SPF। ठीक है, तो
अब बोनस पॉइंट इन देयर, सो या दैट इज दैट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात भी कर ली है, नाउ द फोर्थ प्रोडक्ट, दिस बेबी राइट हियर। सो दिस इज द ब्लू हेवन का पॉप एंड ग्लो चीक एंड आईज जेल ब्लू। ओके, सो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये भी आपने मेरे वीडियोस में कई बार देखा होगा। मेरे पास पहले एक शेड था, उसका नाम मैं भूल गई, पर वो काफी न्यूडिश पिंक शेड है, एंड देन उसके बाद मैंने ये कोरल शेड खरीद लिया, एंड आई जस्ट लव दिस। समर्स में कोरल जो ब्लशेज होते हैं ना, ओह दैट जस्ट लुक्स अमेजिंग। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत इजिली ब्लेंड होता है, बहुत बढ़िया सा कलर शीन कलर शेड दे के जाता है, एंड सबसे अच्छी बात आपका फाउंडेशन मूव नहीं होता है इससे, ठीक है। तो इट जस्ट ब्लेंड इन टू स्किन लाइक ड्रीम, वो एकदम ऐसे स्किन टाइप लगेगा, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है इसको यूज करने में। एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹275, बट इस पे ना आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा हेयर एंड देयर। ज्यादातर तो वैसे मैंने देखा है पर्पल पे होता है, मैंने भी खुद भी जब ये लिया था ना, ये मैंने 40% में लिया था, बिकॉज देयर वर सम ऑफर गोइंग ऑन, बाय फोर ब्लू हेवन प्रोडक्ट एंड गेट 40% ऑफ एंड ऐसे करके, तो मैंने काफी कुछ लिया था एंड आई गॉट द डील देयर। सो डेफिनेटली जस्ट मैं ये बोलूंगी कि अगर अभी करेंटली ये इस पर डील पे नहीं भी होना तो आप वेट करना, ये डील पे डेफिनेटली आता है, बहुत ज्यादा डील पे आता है, तो आपको ये ऐसे 100-150 की रेंज में मिल जाएगा, ठीक है। यस, एंड नाउ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है, ओके आई मिसप्लेस्ड दैट, यस लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज माई गो टू प्रोडक्ट, जो मेरे एक मेरे जो मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे हैंड बैग की वैरायटी में भी रहता है, इज दिस बेबी। समर्स है, आपको एक कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए ही चाहिए, इवन इफ यू आर अ ड्राई स्किन पीपल, ठीक है, तो भी आपको थोड़ा बहुत स्वेट होगा स्माइल लाइन्स, नोज एरिया में, अंडर आईज पे, यू डेफिनेटली नीड अ गुड पाउडर, एंड इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। यस, ये काफी अफोर्डेबल है, एक तो ये आता है ₹250 का, एक्चुअली उन्होंने इसका प्राइस बढ़ा दिया। आई रिमेम्बर गेटिंग दिस व्हेन इट्स का प्राइस आई गेस 199 था, बट नाउ इट्स 249 या 250 का है अब ये, बट रियली इट इज वर्थ एवरी पेनी गाइज, यू रियली नीड दिस इन योर लाइफ। इसमें भी जो मैंने शेड पिक किया हुआ है दैट इज ओनली इफ आई कैन सी एनीवेयर, हाँ या इसमें नाम लिखा है वॉर्म नूड, ठीक है, माई शेड इज वॉर्म नूड। पहले मैं आइवरी लेती थी, बट देन अभी कुछ टाइम से आई एम जस्ट लिटिल टैंड, तो मैंने इसलिए इस बार चेंज किया है। इट लुक्स लाइक दिस, एंड दिस जस्ट मेल्ट इन योर स्किन, इट गिव्स यू अ वेरी लाइट कवरेज ऑल्सो। अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली इसको भी अप्लाई करोगे ना, आपने देखा होगा जब भी मैं अपना गेट रेडी विद मी शूट करती हूँ, जब मैं एवे ही जा रही होती हूँ लाइक और मूवी डेट और जस्ट फॉर द लंच क्विक एंड ऐसे कहीं भी जैसे रैंडमली जाती हूँ ना, तो आपने देखा होगा मैं अपने फेस पे कोई भी फाउंडेशन और बीबी क्रीम और एनीथिंग आई डोंट अप्लाई दैट, मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट ब्लश एंड लिपस्टिक लगा के आई एम सॉर्टेड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम्स मेरा जो कॉम्पैक्ट होता है ना वो ये वाला होता है, यू मस्ट हैव सीन दैट अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे सिंस अ वाइल नाउ। तो इसीलिए मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि इट कम्स फ्रॉम अ ब्रांड जिसपे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज मेबिलिन इज डूइंग प्रोडक्ट सिंस I don't remember even. मुझे याद है when I was not on YouTube also, उससे बहुत पहले से मैं Maybelline के products use करती आई हूँ, and my first foundation मुझे याद है जब when I got married, तो शादी के time पे जो foundation ना एक मैंने लिया था अपने personal use के लिए, पहले मैं MAC का खरीदने वाली थी, but then मैंने MAC का ना लेके मैंने Maybelline Fit Me foundation लिया था, I trust this that much, ठीक है। तो यहाँ सो यस आई जस्ट होप गाइज आपको ये प्रोडक्ट कुछ हेल्पफुल लगे, आपके काम आए। अगर आप इसमें से कुछ भी परचेज करते हैं और आपको या ऑलरेडी आपके पास इनमें से कोई प्रोडक्ट है, और तो आपके रिव्यूज क्या है, बिकॉज एवरी स्किन एवरी फेस एवरी टेक्सचर इज डिफरेंट, तो जो प्रोडक्ट मेरे लिए होली ग्रेल है वो हो सकता है आपके ऊपर बिल्कुल काम ना किया हो या आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, दैट इज पॉसिबल बिकॉज एवरी स्किन इज डिफरेंट इन इट सेल्फ। तो इसीलिए ठीक है, तो मुझे जरूर कॉमेंट में बताना आप लोग के लिए ये प्रोडक्ट कैसे हैं। So this comes to an end. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी है तो you know the drill. Like, share and subscribe to my channel. Till then I will see you next time very very soon. Bye bye. I love you all so much.